भाई पूरे 3 दिन पहले मेरे दोस्त का आया कॉल। वो कहता कुरुक्षेत्र राजा मेरा है बर्थडे और हम करें सेलिब्रेट। तो मैंने उठाई चाबी, लिया हेलमेट, लिया ट्राइपॉड, लिए ईयरफोन्स और मैं निकल दिया। यार बस मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया, नहीं तो वहाँ उस साइड से ना, हाँ उस साइड से सूरज डूबता है, देखो हल्की हल्की परछाई तुम्हें दिख रही होगी, तो सूरज यहाँ इस साइड होता है। जब 10 मिनट पहले सूरज इस साइड था, टावर दिख रहा सामने, वो टावर दिख रहा है उसकी ऊंचाई तक था, और वहाँ से जब सूरज पड़ता है ना, वो तो इस पानी में ना उसकी परछाई पड़ती है, मतलब रोशनी आती है ना तो रिफ्लेक्शन आती है हमारे फेस पे, काफ़ी अच्छी लगती है वो लाइट येलो कलर की। कर क्या रहे हैं बड़ी देर से? मैं वो देख रहा हूँ कि ना ये कुछ बांध रहे हैं, फिर पानी में फेंक रहे हैं। पूछ कर तुमसे क्या कर रहे हैं? चलो ओ फेंक दिया, देख रही हो ये फेंक के बैठ गया। चल पूछ कर तुम। भैया मछली पकड़ रहे हो यहाँ पे आप? तो उसमें लगाते क्या हो हुक में? हम चिकन लगाते हो? आटा लगाते हो? आटे से पकड़ी जाती है मच्छी? अच्छा जी, फिर ऐसा सीन नहीं होता कि ये चलता है पानी है तो इसमें मछली पकड़ी नहीं जाएगी? हाँ ये बात भी है, फुल टैलेंटेड हो भी है, हाथ गलती है सही है। ये क्या है, प्लास्टिक की डोर है? सही है। अच्छा आपने कभी कभी पकड़ा है बंदे को मतलब ऐसे पानी में? अच्छा जी, मर रहा था अच्छा, जान के सुसाइड करी थी? उसकी टांग टूट गई। अच्छा पर्स में लग के तो आज आके निकाला, फिर इसने तो बच गया, वो हॉस्पिटल गया सीधा। अच्छा जी, बचा तो दिया पर गोटा पड़ गया। जैसे आप होना इतना तगड़ा छोड़ा था, यहाँ से छलांग मारी थी? हाँ जो हम भी होते ना फिर तो गया। तो आपको पता है आपने देखा होगा उसको, यहाँ देखा था वहाँ देखा था, वहाँ खड़े होगा कुछ हो ना क्या, हम उधर ना रहे थे। अच्छा तब देख लिया आपने कुत्ते को? देख लिया वो तो तुरंत आने पे ही बंदे ना चाहिए। नहीं वो तो ना नहीं कर सकते, वो कोई नहीं करता किसी ने, ये जाल एक ऐसी है इसमें जो कूद गया ना वापसी नहीं आता। बहुत बढ़िया काम करो भैया आप, बचा के लोगों को क्या करा, हम सेवा करनी पड़ेगी। सही है, उनके माओ की दुआ देते होगे ना देखो आपको। हाँ लगाई कूद रही कोई लड़की। अच्छा वही बात है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं बच्चों को खेलते हैं घड़ी तो ले आता हूँ। एक दिन ऐसा ही होया, हाँ जैसे हम यहाँ खड़े थे ठीक है, दोपहर का टाइम हो चुका था तो एक लगाई वहाँ उधर से स्कूल में, तो बच्चों को लेकर आई दो छोटे छोटे सिर्फ। अच्छा 5-5 साल के बच्चे थे। अच्छा तो हम इधर रखे थे, हम उधर से ले गए जहाँ वो बंदे खड़े ठीक है, वहाँ गए तो वह लड़का वह जो उनकी मम्मी थी ना वहाँ पत्थर बिठा कर उनका खाना खुवा रही थी। अच्छा तो हमने ऐसे सोची ना भाई के बराया खाना खुवा रही हो? हाँ हाँ उधर जा खड़े हो गए तो उधर से हम थोड़े बहुत टाइम सा लगा, फिर हमने सोची बुखार होगी कुछ खा पिया हमें ना, चाय पानी पिया हमें, इतना उनकी एक ही रोटी रेट थी बस बेचारे की, छोटे छोटे बच्चे थे बस, हम थे पुल क्रॉस होने दे मारे कर्म में तो थे नहीं हूँ बचाने, ये पुल क्रॉस होने ना वो गिले सोर तो सारे दोनों लड़के अपने, एक लड़का थे एक लड़की दोनों भगा था खुद ही आप खुद की। हाँ इसमें गेर दिए था दोनों से पुल, यही रहने वाली थी वहाँ यहाँ गेर दिए, उसने एक जो यहाँ गए बंदा था बेचारा उसने वहाँ जाकर पानी कम था वो उन्हें कूद को निकाल लिए, फिर भी तीनों निकाल लिए बच गए। हाँ वो लड़की तो बच गई, उसकी मम्मी बच गई, एक लड़का था 5 साल का वो बेचारा उसका दम टूट गया पानी में, बहुत दुख आया उस दिन। मैं बोले देख हमारे कर्म में देख हम नहीं चाह पानी पीने जाते जो हमारे अगर पड़ जाते तो हम सारे ने जेल की गेल काट लेते, उस दिन बहुत रोनी आई। मैं बोले देख आंखों देखे भी आराम उनके दो रहे गए
फिर खाना हमने सोच रहे हो स्कूल में दिलाए खाना खुआ रहे हैं, ये हमने कह रहे इसमें भगाओगे या खाना खुआ रहे। सही बात है। तो फिर आप क्या यही काम कर रहे हो? फिर ऐसी यही गोताखोरी करते हैं हम। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं यार बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भैया, किसी को मरते हो बचाना यार बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है धन्यवाद भैया, बहुत 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 अच्छा लगा मिलकर आपसे। चलते हैं यार, जिम जाना लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। छोले खाए, उसमें मिर्ची थी बहुत ज़्यादा, देखो तुम्हें दिख भी रही होगी, मैंने ये तीन चार मिर्ची तुम्हें दिख रही होगी, अब तीन चार मिर्ची है ये वो जो बच गई, बाकी ये टोटल मिर्ची थी इसके अंदर कम से कम 10-15 वो मैं खा गया, पता नहीं क्यों पर मैं खा गया। लंगोट पहनता है क्या? जरूरी नहीं पहनना है लंगोट। आज ना मेरी बॉडी थोड़ी फेंट हो गई है, थोड़ी थकावट वगैरह है बॉडी के अंदर। मैंने भाई से पूछा जो ओनर है जिम का, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं सर्विंग ले लो ट्राई कर लो। तो मैं पता नहीं कौन सा प्री वर्कआउट है, हैशटैग प्री फ्रूट जूस ट्राई करते। ठीक है आज प्री, आज प्री वर्कआउट लेके जिम करेंगे फुल पावर। टेस्ट बढ़िया इसका यार, पता क्या लग रहा है वो हारूं नींबू के अंदर कुछ नमक पा गए। सारे साइड हो जाओ, प्रीवर फूड ले लिया भाई अब है वे, मैं कह रहा सारे साइड हो जाओ प्रीवर फूड ले लिया। Lately I feel like the pressure get the best of me. Smoke a half, drink a fifth for the Hennessy. My girl mad cause she only get a part of me, and she jealous cause the music get the rest of me. Every day I cook up with no recipe. भाई फुल प्री वर्कआउट चल रहे हैं, फुल प्री वर्कआउट चल रहे हैं, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। कॉफी नाइस। And I keep falling like the leaves on the oak tree, and I think I'm too high getting nosebleeds. I find a mirror, start examining it closely. My fam worried cause I handle shit emotionally. My poetry is my therapy, I'm supposed to be locked up in the stew, no approaching me. Don't try to talk to me cause you can't level with me, you can't meddle with me. My stress level is peak, the devil reach for my feet. Yeah, the devil reach for my feet. But I've been getting too high, hope I'm out of his reach. Too high, hope I'm out of his reach. Dilly got it bumping. तो इस वीक मेरे 140 पे आ गए, आज 140 पे आए 10 स्क्वेट डीप, पूरे डीप स्वेट थे। ठीक है तीन सेकंड डाउन और वन सेकंड अप। यार आज पता नहीं क्या आया ना, जी सा नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों अजीब सा ही हो रहा है कि ना, अजीब सी फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों। मतलब कल भी मुझे पेट में ना काफ़ी अजीब सा होता नहीं कि वो पेट में कुछ भारीपन सा हो गया हो, वैसा फील हो रहा है आज भी। क्योंकि यार दो दिन बाहर रह के आया हूँ और ढंग से खाने वाना मिला नहीं कुछ। मैंने सोचा तो था भी अंडे खाऊंगा ये खाऊंगा, कुरुक्षेत्र बट यार कुरुक्षेत्र में वाना अंडे मिलते ठीक है ढंग से ना, वो चिकन मिलता तो मैंने सोचा कि यार कुरुक्षेत्र आया पड़ा हूँ धार्मिक स्थल है तो क्या ही खाना छोड़ो, और वैसे भी बाहर हो दो सब दोस्त कुछ थोड़ा खा रहे हुए मैं चिकन खाता हूँ अच्छा लगता भी नहीं।
सोच रुक के कोर ही कर लेता हूँ, ठीक है दो दिन कर ले तो कोर की सारी नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कितना है, 9:30 बज चुके रात के, नहीं 9:45 हो चुके रात के। कल थर्सडे है और कल फुल बॉडी वर्कआउट कर लूँगा, ठीक है। कोर ट्रेन करने में इतने एफर्ट्स लगे कि नहीं, तो अभी जाता नहीं घर, कोर ट्रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक एफ सी कर लेता हूँ, एक ओब्लिक सी कर लेता हूँ, दो इनफ रहेगी, ढंग से करूँगा ना। और जो एक कोर की करूँगा ना मैं, और जो एक कोर की कर रहे हैं हम, तो देखो पहली बात तो फ्रंट एब्स, ये सॉरी अपर एब्स और लोअर एब्स कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मेन बात आती है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है एब्स के लिए, कौन सी करनी है ओब्लिक्स के लिए। तो हम हैं साइंस के बंदे और हम सुनते हैं सिर्फ साइंस की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू EMG स्टडीज, ये वाली एक्सरसाइज में मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी गेंस देखे गए हैं, तो हम यही परफॉर्म करेंगे, चाहे वो ओब्लिक्स हो, चाहे वो रेक्टस एब्डोमिनस हो, चाहे वो चेस्ट पैक बैक ग्लूट्स काफ्स क्वाड्स कुछ भी हो, जो हम वही एक्सरसाइज चूज करेंगे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा सेफ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे हम, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो say I'm bad with no pen and no pad. I hop in the booth and go mad. I get in the booth and I spaz. Get on beats and I'm doing them bad. Walk them down. और जब भी तुम ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करो ना, तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे ये नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, हल्के से मुड़े रहे। क्यों? स्ट्रेट क्यों ना रहे? क्योंकि अगर तुम स्ट्रेट करते हो नीज को, तो ये तुम्हारे हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, ये देखना, ये लोअर बॉडी जहाँ से लेग शुरू होती है, इसे बोलते हैं हिप फ्लेक्सर्स। तो ये लोड लेते हैं, ठीक है, ये फोर्स ये लोड लेते हैं, मतलब कि ये फोर्स लगाते हैं पैर को उठाने में, पूरा कोर पे असर नहीं आता, मतलब पूरा कोर असर नहीं ले पाता। तो अगर तुम हल्के से ये मोड़ लोगे लाइक दिस और ऐसे उठाओगे, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देख पाओगे एज कम्पेयर टू ऐसे पैर को उठाना, समझे। ना पिछले वीक तक मेरे आरते इसमें, पिछले वीक तक मेरे इसमें आरते 10 रैप्स, आज निकले 12 रैप्स। बधाई हो ब्रो, बधाई हो, बधाई हो। और इन बिटवीन साइड्स मैं लेता हूँ रेस्ट 2 से 3 मिनट, मतलब जाकर ज़्यादा हार्ड हो गया तो 3 मिनट, लेस हार्ड है तो 2 मिनट, 2 से नीचे नहीं और 3 से ऊपर नहीं, ठीक है। 2 से खत्म हो गया भाई वर्कआउट, आज का वर्कआउट खत्म है। मजे आ गए, नाइस। ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे हम और एक दिन पक्का कामयाब होएंगे, क्यों मेरे भाई? हो गए ना, क्या हो गए, पक्का हो गए भाई, क्यों नहीं होएगे? बिल्कुल होएगे भाई। तो ये थी बाईसाइकिल क्रंच और ये होती है ओब्लिक्स के लिए।